महाराष्ट्र में अभी महाभारत खत्म नहीं हुई है। आज सुबह जैसे ही सीएम फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली, उसके बाद ऐसा लगा कि महाराष्ट्र का जो ड्रामा है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है। इसी तरह की तस्वीर जो है थोड़ी देर बाद सामने दिखाई देने लगी, क्योंकि भले ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सीएम और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो, लेकिन तुरंत उसके बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें जो शरद पवार ने सबसे बड़ी बात कही है वो ये है कि बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और सरकार हम ही बनाएंगे। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी को 30 नवंबर तक बहुमत साबित करना है, लेकिन अगर बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाई तो सरकार हम ही बनाएंगे। अभी देखेंगे, सबसे बात करके आवश्यकता है तो जो जो करना पड़ेगा सब करेंगे। अब ये समझ लीजिए कि शरद पवार ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं। दरअसल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार ने ऐसे एनसीपी के 3 विधायकों की परेड करा दी जो अजीत पवार के साथ राजभवन में शपथ विधि के वक्त मौजूद थे, जिसमें पहला नाम है संदीप क्षीरसागर, दूसरा नाम है राजेंद्र शिंगणे और तीसरा नाम है सुनील बासरा का। इन विधायकों ने बताया कि उन्हें पहले अजीत पवार ने फोन कर बुलाया, लेकिन कहाँ लेकर जा रहे ये नहीं पता था, और वहाँ पहुंचने के बाद राजभवन में पता लगा कि देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे हैं। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार पर जालसाजी करने का आरोप लगाया। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार जो है वो विधानमंडल के पार्टी के नेता है, और इसके लिए जो 54 विधायकों की हस्ताक्षर का लेटर पार्टी ऑफिस में रखा हुआ था उसे लेकर अजीत पवार ने राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा किया, और लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी जो पार्टी के विधायक है वो पार्टी के साथ बने हुए अजीत पवार के साथ नहीं है। इस आधार पर शरद पवार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। शरद पवार के दावों पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार के साथ 10 से 11 विधायक जो है वो शपथ विधि के दौरान राजभवन में मौजूद थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर 10 से 11 विधायक वहाँ पर मौजूद थे तो उन पर अब तक अनुशासनहीनता की कार्रवाई पार्टी ने क्यों नहीं की है। इतना ही नहीं तो सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर शरद पवार ये कह रहे हैं कि ये लोग अब पार्टी के साथ बने हुए हैं तो फिर इस तरह की कार्रवाई की बात शरद पवार क्यों कह रहे हैं। सवाल ये भी है कि शरद पवार बाकी 8 विधायकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों जो है वो उनकी परेड नहीं करा सके। इतना ही नहीं तो अगर अजीत पवार के खिलाफ एक्शन लेने की बात विधायक दल की बैठक में करने की बात शरद पवार कह रहे हैं तो शरद पवार इसमें इतनी देरी क्यों लगा रहे, ये भी बड़े सवाल जो है वो उठकर सामने आने लगे हैं।